हमारे प्रदेश से वो राजस्थान में एंट्री लेंगे। इन दिनों भारत जोड़ो यात्रा को जो अपार समर्थन मिला, जो सहज और सरल भाव से वो आम लोगों से मिले, जो उन्होंने स्वतंत्रता पूर्वक सभी से चर्चा की, खास तौर से जो सोशल ऑर्गेनाइजेशन है उनसे वार्तालाप की, वो अपने आप में ऐसा राज्य है ये यात्रा पहुंची है। और जैसा कि आप जानते हैं कि 3500 किलोमीटर से ऊपर की ये लगभग 140 दिनों की यात्रा प्रस्तावित है। अब प्रश्न ये उठता है कि इस यात्रा की आवश्यकता क्यों पड़ी। इसके बारे में पूर्व में हमारे विद्वान साथियों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए इस पर बहुत कुछ प्रकाश डाला है, लेकिन जो मैं समझ पाया हूं वो जरूर मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहूँ। हमारे डेमोक्रेसी के जो चारों स्तंभ हैं उन पर सवालिया निशान लग गया है। सवालिया निशान से मेरा आशय यह है कि उनकी कार्य प्रणाली पर प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं, लेकिन जो परिस्थितियां निर्मित हो गई हैं जिसकी वजह से ये डेमोक्रेसी के जो चारों स्तंभ हैं वो काम नहीं कर पा रहे हैं उसके बारे में स्वाभाविक हो गया। जैसे कि कार्यपालिका हमारी ब्यूरो, इसलिए मुझे इस बात का अनुभव है। और मैं आपसे वादा भी ये कहना चाहता हूं कि एक बार कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर जो नियुक्त हो जाता है फिर उसे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करने का अधिकार मिल जाता है, उसका मिसयूज नहीं होता। लेकिन अभी जो हो रहा है, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, केवल संकेत में ये कहना चाहूंगा कि हिंदुस्तान इंपॉर्टेंट लोग विराजमान है, उनको उनकी पोजीशन का दुरुपयोग लिए दबाव डाला जा रहा है जो हमारे लिए खतरे के संकेत। जुडिशरी में क्या लोग दिन मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार का प्रभाव और दबाव का उपयोग की आवश्यकता नहीं। अब बात आती है दोनों सरकार और चाहे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वो हर मोर्चे पर विफल रही है, असफल रही है। और मुझे जयराम जी का निर्देश हुआ सरकार की विफलता के बारे में संक्षिप्त में आपसे कुछ चर्चा कर। आप जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी ने चुनाव के दौरान प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने की बात कही थी, प्रत्येक के खाते में 15 लाख रुपए देने की बात की थी, किसानों की आय दुगनी करने की बात की थी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस उन्हें देने की बात की थी, वर्ष 2022 तक सबको आवास देने की घोषणा की थी, 100 स्मार्ट सिटी बनाने का उन्होंने वादा किया था, इसके तो लाल आंखें खाने की बात उस समय की थी, बुलेट ट्रेन चलाने की बात की थी, लेकिन कुछ नहीं हो पाया। गलत GST के निर्णय की वजह से व्यापारी परेशान है, पेट्रोल और डीजल आदि की कंज्यूमर आइटम की प्राइस बढ़ गई है, ये सबको आप जानते हैं। अब रही मध्य प्रदेश की सरकार के बारे में, यहाँ हालत क्या है। बहुत ये ढिंडोरा पीटा जाता था कि मध्य प्रदेश में डबल इंजन की सरकार, और ये डबल इंजन अब खराब हो गया, ये डबल इंजन अब फेल हो गया। बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की दवाई, नौजवानों की कमाई
और बेतहाशा बढ़ती हुई महंगाई ने जनजीवन को चौपट कर दिया है। प्रदेश में सर्वाधिक सबसे अधिक 2,34,00,000 लोग गरीबी की रेखा के नीचे आ गए हैं। और जो भारत सरकार ने नीति आयोग बनाया है, जो पहले प्लानिंग कमीशन के रूप में जाना जाता था, उस भारत सरकार के द्वारा बनाए गए नीति आयोग के द्वारा ये निष्कर्ष निकाला गया है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है बहुत पिछड़ गए। आप कहेंगे कौन से पायदान पे पहुंच गया है, तो शिक्षा के क्षेत्र में मध्य प्रदेश 35वें पायदान पर पहुंच गया है और स्वास्थ्य के क्षेत्र में 17वें पायदान पर पहुंच गया है। ये मैं नहीं कह रहा, ये नीति आयोग कह रहा है। अब रही बात सड़कों की, बोला मैंने भी पेपर में पढ़ा, आप लोग भी छापते हैं कि मुख्यमंत्री जी ने मध्य प्रदेश की सड़कों के बारे में ये कहा था कि वाशिंगटन जैसी सड़क बनाएंगे, लेकिन नितिन गडकरी जी जो सर्विस मिनिस्टर है वो बिगड़ी हुई खराब सड़कों के लिए माफी मांग रहे हैं। NCRB जो केंद्र सरकार की एजेंसी है उसकी रिपोर्ट कह रही है कि मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति जनजाति के नाम पर जो अनुसूचित जाति जनजाति पर जो अत्याचार हो रहे हैं उसमें नंबर 1 पहुंच गया है। इसी प्रकार से महिलाओं और बालिकाओं के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पहुंच गया है। शिशु मृत्यु दर के मामले में, मातृ मृत्यु दर के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पहुंच गया है। ये स्थिति है। अब आखिरी बात, तो आखिर हो क्या रहा है? मध्य प्रदेश जिस पर हम गर्व करते हैं और हमें ये कहने में गौरव महसूस होता है कि हम मध्य प्रदेश के वासी हैं, वो प्रदेश घोटाला प्रदेश के रूप में बाहर जाना जाने लगा है। ये शर्मसार स्थिति भारतीय जनता पार्टी के राज में हो गई। एक नहीं, अनेक घोटाले हुए हैं। टेंडर घोटाला हुआ, व्यापम घोटाला हुआ, मध्यान्ह भोजन घोटाला हुआ, कारम डैम आदि के घोटाले हुए। ये सारी स्थिति है। अब बात है आर्थिक स्थिति। ये भी ऑफिशियल आंकड़े हैं कि मध्य प्रदेश में जो कर्ज है वो 3,83,000 करोड़ रुपए का अब हो गया। आज स्थिति ये है कि मध्य प्रदेश की ये सरकार और दिल्ली की सरकार किसान विरोधी सरकार के रूप में जानी जा रही है। और NCERT की रिपोर्ट के हिसाब से आदिवासियों पे जो जुल्म सितम हो रहा है वो 20% अत्याचार हो गए। अब स्थिति यह है कि भाई आप, हम कह रहे हैं कि BJP के दौर में ये हो रहा है, कांग्रेस के दौर में क्या हुआ? एक UPA 1 में मैं भी सेंट्रल गवर्नमेंट में था, उस समय जो RTI बिल आया, जो प्रेसिडेंट की असेंट के बाद एक्ट बना, उसको पायलट पार्लियामेंट में मैंने ही किया था एज मिनिस्टर ऑफ स्टेट पर्सनल एंड पार्लियामेंट्री अफेयर। शिक्षा का अधिकार उस पीरियड में मिला, फूड सिक्योरिटी एक्ट उस समय आया, वनाधिकार कानून उस समय आया। ये सारे बात थे जो उस समय आए जिससे आम लोगों ने राहत महसूस की। और उस समय जो है 72,000 करोड़ रुपए की कर्ज माफी हुई, भू अधिकरण बिल उस समय आया। और उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि लगभग 27 करोड़ जो लोग थे बिलो पार्टी लाइन के, वो पार्टी लाइन क्रॉस कर गए। और अब क्या हुआ, बिलो पार्टी लाइन जो NDA के समय थे वो 23 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से नीचे आ गए। अब प्रश्न आता है कि कमलनाथ जी को जो अवसर मिला तो भाई उन्होंने क्या किया? वो कहते, मैं अपनी बात समाप्त करूंगा और फ्लोर पे दूंगा। कमलनाथ जी ने लगभग 26,00,000 किसानों का कर्ज माफ किया, दूसरी किस्त वो 50,000 के बाद 1,00,000 की और फिर आगे की करने जा रहे थे, उसी समय दुर्भाग्य से उनकी सरकार चली गई। लेकिन उन्होंने जो अपना वचन पत्र में वादे किए थे वो लगभग 365 वादे उन्होंने पूरे किए और 5 हॉर्स पावर तक की मोटर के जो बिजली बिल है वो उन्होंने टोटल माफ किए। 10 हॉर्स पावर तक की जो
बिजली से जो बिल है मोटर पे वो हाफ किए, ये स्थिति हुई और जनता को 100 यूनिट बिजली 100 रुपए में उन्होंने देने का फैसला किया। महाकाल हो, ओमकारेश्वर हो, राम वमन हो, वो उसके लिए उन्होंने लगभग 355 करोड़ रुपए का बजट में न केवल प्रोविजन किया बल्कि बजट में वो स्वीकृति भी दे दी, जो बाद में भारतीय जनता पार्टी उसका अनावश्यक श्रेय ले रही है, और लगभग 1000 गौशालाओं का निर्माण किया। आज दिव्यांग दिवस, राहुल गांधी जी ने हमारे कुछ हैंडीकैप साथी हैं, सभी आदरणीय हैं, उनके साथ आज पदयात्रा की। विकलांगों के लिए भी जो पेंशन राशि है वो कमलनाथ जी ने दुगनी करी, वृद्ध और विधवाओं के लिए भी दुगनी करी, तो ये सारी स्थिति हुई। लेकिन अब क्या होगा? अब जो विभिन्न केंद्रीय योजनाएं हैं जिनका लाभ मध्य प्रदेश को मिलना था, आपने निर्मला सीतारमण जी का बयान देखा होगा, उन्होंने मध्य प्रदेश के एक सीनियर ऑफिसर आईएएस ऑफिसर को लताड़ लगाई, जब देखो तब तुम पैसा लेने आ जाते हो, नहीं मध्य प्रदेश के साथ ये सौतेला व्यवहार हो रहा है। आप कहेंगे कमलनाथ जी ने क्या किया? कमलनाथ जी जब केंद्र सरकार में मंत्री थे, कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे, चाहे UIDSSM की हो, चाहे JNURRM हो, चाहे मेट्रो रेल प्रोजेक्ट हो, इसके तहत उन्होंने केंद्रीय मंत्री रहते हुए, प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते हुए लगभग 4510 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत कला के मध्य प्रदेश को दिलाई। जब मैं मध्य प्रदेश से दिल्ली में मंत्रिमंडल में था, विभिन्न योजनाओं के तहत हमने राशि मध्य प्रदेश को दिलाई। जैसे मिसाल के तौर पर JNURRM के स्कीम के तहत भोपाल को 2173 करोड़ रुपए की राशि भोपाल को UPA सरकार में मिली, जो हाईएस्ट इन इंडिया थी। ऐसी कई स्कीम जो दी गई। केवल मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि कमलनाथ सरकार अपना कार्यकाल पूरा करती और करने दिया जाता तो मध्य प्रदेश की विकास यात्रा का वो स्वर्णिम काल होता। ये मैं अतिशयोक्ति के रूप में नहीं कर रहा हूँ, कमलनाथ एक विकास पुरुष के नाम पर जाने जाते हैं। हमें गर्व है कि हमारे पास एक ऐसा अनुभवी और वरिष्ठ नेता है जो डेवलपमेंट ओरिएंटेड थिंकिंग वाला नेता है, लेकिन षड्यंत्र के कारण उसकी सरकार को चलने नहीं दिया गया। और आखिर में जहां से मैंने ये अपनी बात प्रारंभ की थी, ये जो पदयात्रा है, ये पदयात्रा मात्र केवल कांग्रेस की पदयात्रा नहीं है, इसमें सभी देशवासी राष्ट्रप्रेमी शामिल हो रहे हैं। और संदेश स्पष्ट रूप से ये जा रहा है कि जिनकी नीति और नियत में अंतर है वो स्पष्ट दिख रहा है। नीति और नियत क्या है? एक तरफ गोडसे की विचारधारा वाले लोग हैं जो इस यात्रा का अनावश्यक उपहास मजा उड़ा रहे हैं, और एक तरफ महात्मा गांधी के अनुयायी हैं जो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। हमें हमारे नेता पर फख्र है, जो गांधी नेहरू परिवार की विरासत है, जो रात दिन अथक परिश्रम करके इस पदयात्रा में शामिल होते हुए स्पष्ट रूप से ये संदेश दे रहा है कि उसके लिए दल नहीं देश सर्वोपरि है। इस भावना के अनुसार ये पदयात्रा चल रही है। और अंत में आप सबके प्रति मैं आभार व्यक्त कर रहा हूँ कि उनकी इस पदयात्रा का आप जो है कवरेज कर रहे हैं, एक अच्छे भाव से लोगों को दिखा रहे हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ और फ्लोर आपको देता हूँ। जो जो बातें आपके मन में है आप बेहिचक पूछिए, मैं यथासंभव अपने सामर्थ्य के हिसाब से उसका जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये पूरा मिल जाएगा नोट भी, जिसमें फिगर होंगे, डाटाज होंगे, आंकड़े होंगे, और ये सारे ऑथेंटिकेटेड हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नरोत्तम मिश्रा जी ने बयान दिया है कि राहुल बाबा ने कभी रामायण नहीं पढ़ी है, गीता नहीं पढ़ी है, महाभारत नहीं पढ़ी है, और वो नेट के ज्ञान के आधार पर जय श्री राम और जिनके नारे लगा रहे हैं, नारे बता रहे हैं, उनका अर्थ बता रहे हैं। नहीं, पंडित सुरेश पत्र जी और सुंदर कांड में ये कहा गया है
कि जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्त देखी चली। मैं नरोत्तम मिश्र जी की बात का जवाब नहीं दूंगा, मैं इस दो लाइन से उनको ये जवाब आपके जरिए भेजना चाहता हूँ। कोई ऐसा जब कांग्रेस विपक्ष में थी उस समय जब यापम घोटाला जोर शोर से उठाया गया, जब कांग्रेस ने कहा था कि जब हमारी सरकार आएगी तो हम इसकी जांच करवाएंगे, सर उसकी जांच भी हुई। एक और प्रश्न सर मेरा है, जब किसानों पर गोलियां चलाई गई थी वो भी कांग्रेस से एक राष्ट्रीय ओर में, जो आज जो राहुल जी आए ये भी वहां पर गए थे, लेकिन उसकी भी जाँच नहीं कराई गई। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ये प्रश्न उठा के जवाब देने का मौका दिया। मंदसौर में जो विवश गोली कांड हुआ वो भाजपा के दौर में हुआ, और उस समय किसानों के बीच पहुंचने वाला अगर कोई राष्ट्रीय नेता रहा तो उसका नाम राहुल गांधी था। उन्होंने निर्देश दिए कि किसानों पर जो जुल्म सितम हुआ है उसकी जांच होना चाहिए और उसकी जांच के आदेश दिए। दूसरा, जो ई टेंडर घोटाला है और जो व्यापम घोटाला है उसकी जांच के भी आदेश दिए गए थे। आप जानते हैं कि इन सारी चीज़ों में इस प्रोसेस में जो है कई प्रारूपों से गुजरती है ये प्रक्रिया, और उसमें समय लगता है, लेकिन जांच प्रारंभ कर दी गई थी। और यही वजह थी कि ई टेंडर घोटाले में जो लिप्त लोग थे, जिनमें से एक नाम हमारे भाई साहब ने अभी लिया, बाकी हनी ट्रैप में जो लिप्त थे, जो व्यापम घोटाले में लिप्त थे, उनमें इतनी घबराहट हो गई कि चाहे कुछ करना पड़े इस सरकार को गिराना जरूरी है, वरना सारा पर्दा उठ जाएगा तो मामला गड़बड़ा। देखिए, जहां तक प्रेस की स्वतंत्रता की बात है, अभिव्यक्ति की बात है, उस दिशा में कहीं कोई कोर कसर नहीं हो रही, आपकी तरफ से नहीं है, लेकिन जिस वजह से जो आप रात दिन मेहनत करके जो न्यूज आइटम बनाते हैं और किसी न किसी वजह से वो पूरा का पूरा वास्तविक रूप से नहीं आ पाता है, मेरा इशारा भैया वो है। ए बी, जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया पर आधिपत्य कुछ उन पूंजीपतियों का हो जाता है जो केवल प्रेस मालिक नहीं है बल्कि डिफरेंट बिजनेस ओनर भी हैं, तो वो कई प्रकार के इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं। इस तरीके से मेरा ऐसा सोचना है कि जो आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो प्रभावित हो। हाँ बिल्कुल सही। अब उसमें अगर आप मोड ऑफ पेमेंट देखें, हमारे आदिवासी उस इलाके के विधायक हैं, लाए नहीं दिया। अरे लिए, जैसे आप प्रश्न पूछ रहे हैं, कॉन्फ्रेंस में कहा मल्लिकार्जुन खड़गे भैया, आप देश के नागरिकों का, बच्चों का, बुजुर्गों का, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का और समाज सेवकों का सहयोग रहा,
उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं, उनके प्रति हम साधुवाद व्यक्त करते हैं। सर जयराम रमेश जी ने कल एक बयान दिया था सिंधिया को, उन्होंने 24 कैरेट जयराम रमेश जी मीडिया कमेटी के चेयरपर्सन है, पौधे में अनुभव में हमसे, तो उस कथन और वक्तव्य पर आप मुझसे क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मैं क्या बोलूं? चलो 8 जनवरी यात्रा ये प्रश्न राहुल जी से हुआ था। भैया दो मिनट मेरे भाई, अरे पूछने दो ने जो पूछे। आपके जरिए हमें मिल जाए ये प्रश्न राहुल गांधी जी से, यही जो हमारे मीडिया के ICC के पांडे जी हमें इशारा कर रहे हैं, मतलब मैं इसका जवाब नहीं दूं क्योंकि उन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा पे ही बोलता है, तो अब मैं अगर इनका बीच करूंगा तो उन्होंने भी ये कहा कि अभी अपन भारत जोड़ो यात्रा पे ध्यान दें, ठीक है? और कोई तो चाय वाय तो पिलवा दो, बैठो बैठो, आप बैठ के कल जो है भैया बैठ जाओ, कोई नहीं आप आराम से बात करें, अरे जल्दी से चाय बुलवाओ।